हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप तो सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक इंस्टीट्यूट की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है, अभी की अनाउंसमेंट है। इसमें सर एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे स्टूडेंट वाइल फाइलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, कि सर उनको जो डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह होता है वो अटेस्ट कराना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या फिर जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है तो उसके इसमें अगर फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं आ रहे हैं तो फोटो साइन लगाकर वो फॉर्म भी अटेस्ट कराना पड़ता है। एक तो ये बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक तक का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये काम बच्चे स्टूडेंट्स कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर अभी तक हमारे पास रोल नंबर वगैरह नहीं आया है, कि जब हम एडमिट कार्ड वगैरह या रोल नंबर वगैरह होता है वो हमारे पास नहीं आया है तो हम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करें। तो इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। तो पहली क्लैरिफिकेशन तो यह है कि फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जिन लोगों का भी एग्जामिनेशन फॉर्म पे फोटोग्राफ सिग्नेचर नहीं आ रहा है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे ये दिक्कत आती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपना आधार कार्ड, ध्यान से सुन लेना, अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन फॉर्म। और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद वो डिक्लेरेशन फॉर्म को, जो उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया है सीए से अटेस्ट कराकर, वो इंस्टीट्यूट के ये नोएडा वाला जो एड्रेस दे रखा है इस नोएडा वाले एड्रेस पे भेज सकते हैं, या फिर एक ईमेल आईडी दे रखी है foundation_exam_helpline@ica.in, इस पर वो मेल कर सकते हैं बाय कोटिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उस मेल पर या उस एनवेलप पर लिख कर। ठीक है जी। तो ये फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स, जिन लोगों का भी सर दिक्कत आ रही थी कि अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे अटेस्ट कराएं वगैरह वगैरह, वो ये सब चीज़ें करके चल सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आपको आधार कार्ड दे सकते हो आप, और डिक्लेरेशन फॉर्म को आप बाद में सेंड कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि सर उन लोग, वो स्टूडेंट जिन लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह नहीं उनको मिला है, रोल नंबर वगैरह नहीं मिला है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो लोग एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, और सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद वो अगेन नोएडा वाले सेंटर पर अपना एडमिट कार्ड और डिक्लेरेशन को, रोल नंबर को सेंड कर सकते हैं, या फिर वो ईमेल भी कर सकते हैं सेम आईडी पर। ठीक। तो ये दो आईसीआई की तरफ से अनाउंसमेंट है, तो इन अनाउंसमेंट्स को गाइस एक बार ध्यान से देख लेना फॉर द फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।